और फरमाया
क्षय गया आत्मा जंजीरों में जकड़ दिया जा रहा है। जब जहन्नम के दरवाजे बंद और जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए, शयातीन को कैद कर दिया गया है। पता ये चला कि इस हाल में नेकी करना आसान हो जाता है। गोया रमजान हमारे लिए नेकियों का मौसम बहार बन गया। तैयार हो जाता है और मेरा तुम्ही से इरशाद है। अज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र किया करो, मैं तुम्हारा जिक्र किया करूँ। सुभान अल्लाह। बंदे की इससे बढ़कर खुशकिस्मती क्या है, खुशबख्ती और क्या हो सकती है। देखो ना, आम दुनियादार हाकिम, दुनियादार वजीर, बादशाह, सरमायादार, वडेरा, अगर किसी इंसान को याद करे वो आम इंसान खुशी से पूरा नहीं सुनाता है, उसके पांव जमीन पर नहीं लगते हैं। मुझे साहिब मनसब ने याद किया है, अरबाब इख्तदार ने याद किया है, वक्त का बादशाह मुझे याद कर रहा है। अंदाजा खुद लगा लीजिए, जब रब्बुल आलमीन अक्बरुल हाकिमीन बंदे को याद करे तो बंदे की किस्मत का सितारा बुलंदियों की जानिब पर बार करता। क्यों ना हो मेरे दोस्तों, बादशाह का बादशाह है, अक्बरुल हाकिमीन है, इसलिए फरमाया फज़्कुरूनी, मुझे याद करो, तेरा जिक्र करो। इसका माना ये है, कोई लम्हा भी मेरी याद से खाली नहीं जाना चाहिए। हर दम याद करो, हर लम्हा याद करो, अब जुबान से जहां तक हो सके याद किया करो, जिक्र किया करो। कभी कभी जुबानों पर सुभान अल्लाह का जिक्र जारी हो जाए, कभी अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र जारी हो, कभी अल्लाहु अकबर का जिक्र जारी हो, कभी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो ज़बान पर हल्के मालूम होते हैं पर मीज़ान पर बड़े भारी नजर आएंगे। समंदर की चांद के बराबर अगर बंदा ये मोमिन के गुनाह होते हैं, इन कलिमा के तैयबा की वजह से ज़ुबान नबुव्वत ने फरमाया रब्बुल आलमीन माफ फरमा देता। सारे कहना इसके माने मेरी बात के तौर से सिस्टम में तसलसल से चल रहा हूं। इस थोड़े से टाइम में हम अपने अमान ताज़ा करना चाहते हैं, प्यार से मोहब्बत से मेरे दोस्तों पर तशरीफ फरमाओ। पर काबिले समात जुमले हैं, कभी कभी तो जुबान पर इस जिक्र का तराना जारी है। खुद मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुल ज़िक्रे इल्लल्लाह।
जिक्र हक का तराना अपनी जुबान से जारी कर लीजिए। Thank you.